तो भाई आपने इतने पैसे खर्च करे नया फ़ोन लेने में और 2019 में आपको पता लगता है कि वाइड एंगल लेंस तो न्यू ट्रेंड बन गया है। 8-8 हज़ार के फ़ोन में वाइड एंगल लेंस आ रहा है यार, और आपके फ़ोन में नहीं है, आपने चाहे उससे महंगा लिया हो। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विदाउट हैविंग अ वाइड एंगल लेंस आप वाइड एंगल फ़ोटोज़ ले सकते हो, और कैसे ये वाला मेथड बेटर है एक वाइड एंगल लेंस होने से भी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपको इस मेथड के लिए Gcam चाहिए, और एक दूसरा मेथड भी है बट बेसिकली सिंपल वाला Gcam है। तो आप इसमें मोर पे जाइए, फोटोस्फेयर पे टैप कीजिए, और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये 5 ऑप्शंस टोटली डिफरेंट हैं, मतलब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल हमें वाइड एंगल के लिए जाना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है वाइड एंगल वाला, इस पे। तो इसमें 9 फोटोज़ खींचनी है हमें, एंड 9 की 9 फोटोज़ खींचने के बाद ये फ़ोटोज़ क्या करेगा, स्टिच कर देगा सारी, ताकि एक वाइड एंगल वाला इफेक्ट आए। तो अब आप सिंपली पहले फ़ोटोज़ खींचिए, और एक चीज़ मैं कहूँगा कि सारी फ़ोटोज़ स्लो स्लो जाइए, मतलब सारी एक एक करके स्लो स्लो जाना है, और ये नहीं कि एंगल टेढ़ा मेढ़ा कर दो जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे करना। तो जब तक फ़ोटोज़ खींच रही हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेथड बेटर कैसे है वाइड एंगल लेंस होने के बावजूद भी। तो उसमें क्या है, वाइड एंगल लेंस आप पे होगा, आप जस्ट टैप करोगे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, वो तो है ही है, और वीडियो भी शूट कर सकते हो आप वाइड एंगल लेंस से। बट इसमें क्या है कि आप 9 फोटोज़ खींच रहे हो, और 9 की 9 फोटोज़ आ रही हैं आपके मेन सेंसर से, और आपका मेन सेंसर आपके वाइड एंगल लेंस जो भी आपका सेंसर आएगा फ़ोन में उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। कम से कम 2 साल लगेंगे अभी वाइड एंगल लेंसेज को, वाइड एंगल सेंसर को इतना अच्छा होने में जितना हमारे मेन सेंसर अच्छा हैं। तो और दूसरी चीज़ कि ये फ़ोटोज़ कम से कम इतनी सारी जब स्ट्रेच करता है तो ये अराउंड 40 मेगापिक्सल की फ़ोटो बन के आती है, और 40 मेगापिक्सल मतलब वैसे ही ऑलरेडी वाइड है, तो आप जूम कर सकते हो बहुत ज़्यादा, और देखो रिज़ल्ट कितना ज़्यादा वाइड आया है। ये नॉर्मल फ़ोटो देखो आप, और अब ये वाइड एंगल देखो। बाकी ये मैंने कुछ सैम्पल्स खींचे थे, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस बनाता है, और ऑनेस्टली मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे को Gcam में ये ऑप्शन मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करना एंड कॉमेंट करना, एंड सब्सक्राइब भी करके जाना चैनल को, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड ऐसी कोई और अच्छी सी वीडियो में अगले टाइम मिलते हैं।